नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2023 के मुकाबले के हाइलाइट्स में। मुंबई ने अपने पिछले दो मुकाबले जीते हैं और हैदराबाद की टीम ने भी शायद से अपना पिछला मुकाबला जीता है। फिलहाल मैच को शुरू करते हैं जहां पर यह मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड पे हो रहा है। मुंबई इंडियंस अच्छी फॉर्म में है। रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके सीधा बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और रोहित और टीम डेविड आएंगे ओपनिंग करने। फटाफट मैच को शुरू करते हैं और हाँ, ये गेम हार्ड मोड में है, फिर से बता दूं तो रन्स कम बनेंगे। पहली गेंद ओवर की आती हुई भुवनेश्वर कुमार की, रोहित रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। पहली गेंद भुवनेश्वर कुमार की और रोहित शर्मा ने यहाँ पर बड़ा शॉट खेला है। हालांकि पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिल पाएगा इस गेंद पर। डबल की कॉल की और दो रन बहुत ईजिली मिल जाएगा रोहित शर्मा को। इसी के साथ पहली गेंद पर आ जाएंगे दो रन्स। अगली बॉल रोहित स्ट्राइक के ऊपर, एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार अगली गेंद करने को रहेंगे तैयार और एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला जरूर है। पीछे फील्डर मौजूद है, अच्छा थ्रो, दो की कॉल है, रिस्किल हो सकता है ये रन, लेकिन डाइव लगाकर रोहित पहुंच जाएंगे क्रीज के अंदर। दो और दो चार रन, तो दो गेंदों पर बन चुके हैं चार रन फिलहाल के लिए। भुवनेश्वर की अगली गेंद रोहित शर्मा के लिए, रोहित स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। क्या यहाँ पर रोहित के बल्ले से बड़ा शॉट आएगा? जी हाँ, शॉट तो अच्छी टाइमिंग के साथ खेला था लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आया, डॉट बॉल आता हुआ। अगली गेंद रोहित एक बार फिर से स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। क्या अब की बारी बड़ा शॉट आएगा इनके बल्ले से? जी हाँ, अब की बारी बड़ा शॉट आ चुका है। कट कर दिया है पॉइंट और कवर के फील्डर के बीच से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। चौका मिल जाएगा रोहित को इस मुकाबले में। भुवनेश्वर की गेंद है तो इतना आसान है नहीं रन्स बनाना। फिलहाल चार गेंदें आठ रन। रोहित फिर से स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। फिर से आगे निकल करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी अब की बारी, लेकिन फिर वही समस्या, गेंद की लाइन में नहीं आ पाया रोहित और क्रीज से ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। अमूमन शॉट वो खेलते हैं नहीं और इस बारी गेंद बल्ले पे आई है। चौका भी मिल जाएगा क्योंकि पीछे कोई फील्डर है नहीं, पावर प्ले चल रहा है। स्कोर बट करके हो जाएगा 12 रन मुंबई इंडियंस की टीम का। ओवर की समाप्ति होती हुई इसी बीच टीम डेविड आ जाएंगे स्ट्राइक के ऊपर और गेंद करने को है तैयार टी नटराजन। अपना पहला ओवर लेकर के आते हुए यहाँ पर टी नटराजन फिलहाल के लिए, और विकेट गिर जाएगा टी नटराजन की गेंद की। पहले ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टीम डेविड गोल्डन डक का शिकार होते हुए फिलहाल के लिए इनके बाद ईशान किशन आए हैं बल्लेबाजी करने और बड़े ही शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं ईशान किशन। ऑलमोस्ट 15 करोड़ में बिके हैं और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी है ये। जिस इंडियन खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों दिया जा रहा है वो है ईशान किशन इस आईपीएल में, 17.5 या 16.5 करोड़ के आसपास, विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी ज़्यादा। फिलहाल के लिए यहाँ पर पहले ही गेंद पर आते ईशान किशन ने चौका लगा दिया है, क्या बात है, ऐसे ही शुरुआत चाहिए ईशान किशन से। अगली गेंद ईशान किशन एक बार फिर से करने को रहेंगे तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन तैयार रहेंगे। क्या यहाँ पर बड़ा शॉट आएगा ईशान किशन के बल्ले से? आया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट है ईशान किशन का। कट कर दिया है थर्ड मैन और पॉइंट के फील्डर के बीच से गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। चूंकि वहाँ पर थर्ड मैन में कोई फील्डर मौजूद था नहीं, इसी वजह से एक बहुत ईजी वे में चौका मिल जाएगा। फील्डिंग में तब्दीली क्योंकि दो लगातार गेंदों पर चौके आए हैं, इससे पहले आया था छक्का। फिलहाल यहाँ पर ईशान किशन एक बार फिर से रहेंगे तैयार। बैकफुट पर से बड़ा शॉट खेल सकते हैं, इस बारी मौका है और इस मौके पर फ़ायदा भी उठाया ईशान ने। बहुत खूबसूरत शॉट ईशान किशन के बल्ले से आता, एक और चौका, तो ये तीसरा चौका आया है ईशान किशन के बल्ले से। तीन गेंदों पर तीन बैक टू बैक चौके और इस बीच यहाँ पर आरसीबी और सीएसके के बीच में सेकेंड इनिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। एक ओवर चार गेंद 24, एक विकेट के नुकसान पर स्कोर है। ईशान किशन जबरदस्त फॉर्म में फिलहाल नज़र आ रहे हैं इस मुकाबले में। क्या यहाँ पर चौका आएगा? सीधा फील्डर के हाथ में विकेट गिरता हुआ यहाँ पर ईशान किशन का। तीन लगातार गेंद पर तीन चौके, चौथी गेंद पर भी चौका लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे हैं। और अब दोस्तों बल्लेबाजी करने आए हैं कायरन पोलार्ड। अब इस बल्लेबाज के बारे में मैं आपको
कितना बताऊं उतना कम ही रहेगा। ये आप सब अच्छे से जानते हैं कौन है ये बल्लेबाज, क्या है इनकी काबिलियत। यहाँ पर आप देख सकते हैं आते ही पहली गेंद पर चौका लगा दिया, ये है कायरन पोलार्ड और ये करने की काबिलियत रखते हैं। कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी आते ही कायरन पोलार्ड के बल्ले से। ओवर के साथ यहाँ पर चौके की समाप्ति करते हुए कायरन पोलार्ड। पावर प्ले की समाप्ति होती हुई वॉशिंगटन सुंदर आए हैं गेंद लेकर के रोहित शर्मा के लिए। पावर प्ले के बाद पहली गेंद रोहित शर्मा की के लिए वॉशिंगटन सुंदर की। यहाँ पर फिलहाल के लिए बड़ा शॉट खेला है मिड ऑन की दिशा में, फील्डर के हाथों में गेंद, दो रन की कॉल की है, डाइव लगाकर पहुंच जाएंगे बहुत ईजली। मथीशा पथिराना दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए इस सीज़न का अपना पहला मुकाबला खेलने आए हैं। लेट्स सी क्या यहाँ पर इससे पहले मुकाबले में पथिराना कुछ कमाल दिखा पाएंगे अपनी टीम के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए गेंद थी और बहुत बेहतरीन तरीके से रोहित शर्मा ने फील्ड का फ़ायदा उठाया और गेंद को पहुँचा दिया चार रनों के लिए। इसी बीच कोहली के लिए पहली गेंद मथीसा पथिराना की अंदर आती हुई गेंद और पहले ही गेंद पर इनसाइड आउट करके डीप मिडविकेट की दिशा में खेला है, गेंद को पहुंचाया चार रनों के लिए। तो यहां पर फिलहाल के लिए दोस्तों स्ट्रेटजी जो है वो साफ साफ झलक रही है किस तरीके की बल्लेबाजी होने वाली है इस मुकाबले में आरसीबी की तरफ से। 226 का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है और इसी वजह से पहले ही गेंद से बड़े बड़े शॉट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल दो ओवर दो गेंद 35 दो विकेट के नुकसान पर स्कोर मुंबई की टीम का। रोहित शर्मा स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर की पहली अगली गेंद यहां पर और यहां पर फिलहाल के लिए हल्का वेट किया और गेंद को खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, दो रन की कॉल की है, दो रन इसमें मिल जाएगा, एक फील्डर डीप मिड विकेट और एक फील्डर दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मिड ऑफ में विराट कोहली के लिए। मथीसा पथराना की अगली गेंद और सिंगल के लिए। फिलहाल यहाँ पर रोहित शर्मा स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, एक और डॉट बॉल ऐसा लग रहा है आने वाला है और जी हाँ, इस डॉट बॉल में विकेट भी गिर जाएगा, स्टंप आउट हो गए हैं रोहित शर्मा। वाइड तो दिया गया अंपायर के द्वारा लेकिन यहाँ पर फिलहाल थर्ड अंपायर ने इस समय पे आउट करार दिया है। तो इस तरीके से रोहित शर्मा की ज़बरदस्त पारी यहाँ पर फिलहाल समाप्त होती हुई, 10 गेंदों में बनाए 20 रन। और फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।